नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये तीन कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। ये फ्लावर डिजाइन है, मैंने इसको 14 फंदे में बनाए हैं। आप इसको कितना बड़ा और छोटा भी बना सकते हैं। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द। तो मैंने डोरमेट बनाया है और खूबसूरत डोरमेट फ्लावर डिजाइन में बन के तैयार हुआ है। और ये मैंने नीले रंग से 14 फंदे डाले हैं। ये मैंने 14 फंदे का बनाया है। आप इसको कितना बड़ा बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। और इसमें मैं ये वाइट से, ये देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये हम यहीं से दूसरा कलर लगा रहे हैं। और ये हमने 14 फंदे डाले हैं, इसके हम ये देखिए इस तरह से गिनेंगे। ये हमारे हो गए 1, 2, 3 4 5 6 7 और ये 8 8 फंदे हमने इसमें कर दिए। आप जितने भी फंदे डालेंगे उसके आधे फंदे नहीं रखेंगे, 2 फंदे इसमें ज़्यादा रखेंगे। इधर 8 फंदे हो गए और इधर हमारे 6 फंदे रखे। और ये मैं 6 फंदे रेड कलर से बनाए, ये देखिए इस तरह से 6 फंदे हम अब रेड कलर से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये हमारा जोड़ है, थोड़ा इसको इस तरह से जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारी जाली नहीं पड़ेगी। और ये मैं 6 फंदे रेड कलर से बुनूंगा। ये देखिए ये हम पूरी लाइन इसी तरह से बना लेंगे, लास्ट तक बीनेंगे, कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए हमने पूरे इस तरह से बीन लिया। अब हम फिर से ये सीधी साइड में आ गए। सीधी साइड हमारी जैसी है वैसी रहती है, इसलिए अब हम पूरे ये फंदा हम उतार लेंगे पहला और इसका अगला फंदा टाइट करके बीन लेंगे। इससे करने से हमारे बीच का सर्कल बहुत छोटा और सफाई से आता है। और ये हम पूरे रेड वाले फंदे रेड कलर से बीनेंगे जितने हैं। ये देखिए इस तरह से इसको पीछे किया और इसको व्हाइट को आगे लाएंगे इसे क्रॉस से नीचे से उसको। और ये यहाँ पे हमें दोनों तरफ से फंदा टाइट रखना है। ये रेड व्हाइट वाला भी फंदा टाइट रखेंगे और रेड को भी खींच के टाइट कर देंगे। ये हमारा जोड़ है, इसको हमें सफाई से बना लेंगे और पूरी लाइन हम ऐसे ही उल्टी उल्टी गिन लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम पूरा लेंगे। ये देखिए अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए और ये हम फंदा उतार लेंगे और धागांगी करेंगे। और ये देखिए अब हम फिर से इसी तरह से पूरे फंदे बिनेंगे। ये देखिए अब हम 2 फंदे ये उसको रेड से बिन लेंगे। ये देखिए रेड धागे से बिन लेंगे इस तरह से, 1, 2 फंदे ये हो गए, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखिए। और 2 फंदे हम छोड़ देंगे, ये हमारे 6 फंदे की डिजाइन है और ये 6 फंदे ही रहेंगे लास्ट तक। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, और 2 फंदे हम इधर छोड़ देंगे और सीधी सिलाई पूरी हम ऐसे बिन लेंगे सीधी सीधी, इसको हमें कुछ करना नहीं है, जैसा है हमें वैसे ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से बिना और इस धागे को पीछे किया और वाइट वाले को आगे ला के खींच के टाइट से आगे लाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसको भी खींच देंगे तो हमारा ये जोड़ बहुत सफाई से आएगा और जाली नहीं पड़ेगी। और ये पूरे फंदे हम उल्टे उल्टे बीन लेंगे। ये देखिए हमने पूरे फंदे उल्टे उल्टे बीन लिए। अब हम फिर से सीधी साइड में उल्टी साइड में आ गए और ये फंदा ऐसे किया और इसको पूरा इसी तरह से बीनेंगे। और 2 फंदे हम फिर से ये यहाँ तक, ये देखिए इसको ऐसे करके, और इससे ऐसे करने से हमारी डिजाइन सफाई से आती है। ये थोड़ी थोड़ी वो है इनको करने से। और ये हम 2 फंदे फिर से रेड बुन दिए, इसी तरह से हम पूरे फंदे बुनेंगे। ये देखिए और ये हमारे 6 फंदे थे, इनको हम 6 ही बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिए। ये देखिए हमारे 4 फंदे छोड़ गए। हर सिलाई में हमें इस तरफ 2-2 फंदे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। और ये 2-2 फंदे हम व्हाइट वाले रेड से कर देंगे।
ये देखिए हमारी ये डिजाइन आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए हमारे फंदे रेड आगे की तरफ जा रहे हैं और व्हाइट वाले कम होते जा रहे हैं, ये देखिए। और ये इस तरह से हम पूरी ये देखिए, अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए। अब हमारे लास्ट में चार फंदे बचे हैं, इन चार फंदों को हम पहला फंदा उतार लेंगे और धागा आगे करेंगे। और अब ये हम तीन फंदे को एक साथ रेड से बिन देंगे, ये देखिए एक दो तीन, ये तीन फंदे हम लास्ट में डिजाइन के लास्ट में तीन फंदे बचते हैं, चार रहते हैं उनको तीन बिनते हैं एक वाइट से। और ये अब ये हमारे इधर बस छह फंदे की थी, अब हमारा एक फंदा ज्यादा बढ़ गया, इसलिए अब सात फंदे हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात फंदे, और ये दो फंदे बचे इनको हम छोड़ देंगे। इस तरह से हम हर सलाई में दो दो फंदे छोड़ते हुए आ रहे हैं। अब हम फिर से सीधी साइड में आ गए और रेड वाले रेड से बिन लेंगे, ये देखिए इस तरह से, जो जिस कलर का है उसको उसी कलर से बिनते हैं, ये देखिए रेड के हम ये पूरे फंदे रेड से बिन लेंगे। और ये हमारा एक फंदा बचता है, इसको हम व्हाइट से ही बिनेंगे, ये देखिए इस तरह से, इसको ऐसे पीछे करेंगे और इसको आगे करेंगे, और ये पूरा हम इस तरह से बिन लेंगे, ये देखिए हमने बिन लिया। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए और ये देखिए इस फंदे को हम उतारेंगे और ऐसे आगे कर लेंगे। अब हमने पूरे फंदे रेड से कर दिए हैं, ये डिजाइन हमारी आगे की तरफ बढ़ रही है। अब हम शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे हमने ये लास्ट में तीन फंदे रेड किए थे, अब इन तीन फंदे को सफ़ेद कर देंगे, ये देखिए सफ़ेद से बिन देंगे, एक दो तीन, ये मैंने तीन फंदे जो हमने लास्ट में तीन फंदे वो किए थे वो तीन फंदे हमने सफ़ेद से कर दिए, और हम ये रेड से दो फंदे बिनेंगे, एक दो, ये हमने दो बिने और धागा यहाँ से घुमा के और फिर से हम ये आगे की साइड में आ गए, ये देखिए इस तरह से। और हम ये दो फंदे रेड वाले रेड से बिन देंगे और इसको ऐसे करेंगे और ये व्हाइट वाला आगे लाएंगे और ये ऐसे बिन देंगे। अब हमारी डिजाइन पीछे की तरफ जा रही है, इसलिए अब हम ये देखिए अब दो दो फंदे करके हम पीछे की तरफ बढ़ेंगे, ये देखिए व्हाइट वाले पूरे फंदे बिन लिए, ये देखिए इस तरह से, और ये हम दो फंदे फिर से व्हाइट कर देंगे, ये देखिए एक दो, ये दो फंदे हमने कर दिए। अब हम ये दो फंदे रेड से बिन देंगे, एक दो, ये हमने दो बिन लिए, और ये हम तीसरा फंदा उतारेंगे उसके धागा बीच से घुमा के आगे की तरफ निकाल देंगे, ये देखिए अब हम आगे साइड में आ गए और इस फंदे को हम बिनेंगे नहीं, फिर से हम पिरो लेंगे, ये देखिए इसको हम फिर से पिरो लेंगे इस तरह से, और हम दो ही फंदे बिनेंगे, एक दो, ये हम दो फंदे बिनेंगे, ये देखिए हमने दो फंदे बिन लिए और धागा फिर से पीछे किया और इसको आगे लाए, और ये पूरी लाइन ही व्हाइट से बिन लेंगे इस तरह से, ये देखिए। अब हम फिर से उल्टी साइड में आ गए और ये फंदा हर बार उतार लेंगे और धागा आगे करके लेंगे, और ये हम पूरे फंदे एक दो तीन चार पाँच छ और सात और ये आठ, जो हमने शुरू में आठ फंदे व्हाइट किए थे अब हमारे आठ फंदे व्हाइट के हो गए, ये देखिए अब हमारे ये रेड के फंदे छह बचे हैं, हमने चौदह फंदे डाले थे इसमें दो फंदे ये ज़्यादा थे और ये एक फंदा दो फंदे कम थे हाफ, इसलिए हमने ये छह फंदे का बनाया और ये आठ फंदे का। और ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ, ये हम पूरा लास्ट तक बीन देंगे, ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया पूरा। अब ये देखिए हमारे ये हमने पूरे बीन लिए, अब ये बाकी जो फंदे, अब ये देखिए हमारी एक कली, ये हमने जो छह फंदे थे एक साथ बीन लिए, दो दो करके नहीं छोड़े। अब हम फिर से ये फंदा उतारेंगे और अगला फंदा टाइट करके बीन लेंगे, इससे करने से हमारे बीच का सर्कल छोटा और सफाई से आता है जो सिलने में आराम रहता है, ये देखिए इस तरह से, ये हमने छह फंदे बीन लिए और धागा पीछे किया और इसको आगे कर लाएंगे टाइट करके, दोनों तरफ के हम फंदे जोड़ पे टाइट रखेंगे, इससे हमारी डिजाइन बहुत सफाई से आती है।
और ये देखिए पूरे फंदे हम व्हाइट वाले व्हाइट से बुन लेंगे और ये हमारी एक कली बन के तैयार हो रही है। ये देखिए इस तरह से ये देखिए हमारी एक कली बन के तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ बीच का बनाना है नहीं तो हमारी ये डोरमेट में सिकुड़न आएगी। ये देखिए इस तरह से अब हम ये फंदे अब हम सफ़ेद वाले बुनेंगे उस लाइन में हमने अब हम दो फंदे सफ़ेद के छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। सेम इसी तरह से अब हम रिपीट करेंगे। हमने ये दो दो फंदे छोड़ते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए इस तरह से ये देखिए फिर से ये फंदा उतारा। उस बार हमने दो फंदे छोड़े थे इस बार दो फंदे और छोड़ देंगे। तो अब हम ये देखिए ये चार फंदे छोड़ दिए इसलिए हर सिलाई में हम दो दो फंदे छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए एक ये देखिए इस तरह से फिर ये फंदा उतारे और ये धागा आगे किया। अब हम फिर से हमारे ये दो फंदे हैं इनको बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये दो फंदे बचे ये इस तरह से दो हमने छोड़े और ये दो फंदे हमारे लास्ट में हो गए। इनको हम फिर से इस तरह से बुन लेंगे। ये देखिए दो फंदे हमने बुन लिए। अब हमारी ये पूरी एक कली बन के तैयार हो गई है। अब हम फिर इसको इस तरह से ये धागा उतार लेंगे ऐसे करेंगे और ये अब हम फिर से ब्लू कलर लगाएंगे और ब्लू से पूरी लाइन बुनेंगे इस तरह से इसको। और इस फंदे को हमेशा ध्यान से इस तरह से हमने ये धागा उतारा फिर इसको हमने ये हमारा इस तरफ था इसको इस तरह से करके अंदर की तरफ हम छोड़ेंगे इस तरह से और ये हमने बुन लिया। इसको ऐसे कर देना तो हमारी ये किनारे में आता नहीं है और सफाई से दिखता है। और ये देखिए इस तरह से हम पूरी लाइन लास्ट तक उल्टी उल्टी बुन लेंगे। ये देखिए और ये हमने व्हाइट वाले बुन लिए। अब हम ये रेड वाले भी पूरा ब्लू से और ये यहाँ हम खींच के टाइट कर देंगे और पूरा लाइन लास्ट तक बुन लेंगे। ये देखिए आप ये देखिए हमने पूरा इन तक हमने बुन लिया। ये देखिए हमने लास्ट तक बुन लिया। अब हम ये सीधी सिलाई उनको बुनना है सिर्फ ये फंदा उतारेंगे या हर बार फंदा एक फंदा उतार के अगला टाइट करके खींच के बुन देंगे ये इस तरह से और पूरी लाइन हम फिर से उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब यहाँ से हमारी दूसरी कली स्टार्ट होगी। ये देखिए हमने शुरू में ब्लू फंदे डाले थे सेम उसी जगह पे आ गए हम ब्लू फंदे से और यहाँ से अब हम रेड से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमने पूरा तक बुन लिया और इस तरह से इसको पीछे करके और ये व्हाइट वाले को हम आगे लाएंगे ये इस तरह से बुन लिए। ये देखिए अब हमारी रेड का दूसरी कली स्टार्ट होगी तो यहाँ पे हम फिर से उसी तरह से रिपीट करेंगे। ये देखिए एक फंदा उतारा और ये हम अब जितनी भी डिजाइन बनाएंगे उसमें हमें दो फंदे ज़्यादा रखने हैं आगे की तरफ। अब जितने भी फंदे का बनाएंगे आप 16 फंदे का भी बनाइए तो दो फंदे इस तरह बढ़ा दीजिए बाकी इधर रखिए। जैसे हमने अब ये 14 फंदे का बनाए इसमें हमने दो फंदे इधर ज़्यादा कर दिए और 6 फंदे पीछे और ये हमारे फिर से उसी तरह से बनेगा 8 फंदे का 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखिए 8 फंदे हो गए। अब ये हम इस तरह से करेंगे और रेड वाले को खींच के टाइट से और ये हम 6 फंदे रेड के बुन लेंगे जैसे हमने शुरू में लिए थे 1 2 3 4 5 और ये 6 ये हमने 6 फंदे बुन लिए। ये देखिए अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट हो रही है सेम इसी तरह से। अब हम रिपीट करेंगे सीधी सिलाई हमारी जैसी है वैसे ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। और ये धागा पीछे किया और इसको टाइट ही रखेंगे जोर पे और इस तरह से हम बुन लेंगे और दोनों तरफ के धागे को खींच देंगे इधर का भी इसको भी टाइट से लेंगे जोर पे और बाकी आप जैसे ये देखिए
भी हमने बीन लिया। मैं आपको भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये डोरमेट बना लिया है। मेरा पूरा बन के तैयार हो गया है, थोड़ा सा एक कली रह गई है, और ये बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार हुआ है। नमस्कार।